Hey guys, आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट फ्री alternatives ऑफ पेड एडिटिंग softwares. आज हम सिर्फ चार softwares के बारे में बात करने वाले हैं जो कि Adobe के हैं और जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है एडिटिंग फील्ड में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट सॉफ्टवेयर इज फोटोशॉप. फोटोशॉप Adobe का एक फ्लैगशिप सॉफ्टवेयर है. मतलब Adobe उसके कारण ही इतना पॉपुलर हो पाया. पर फोटोशॉप एक पेड सॉफ्टवेयर है जिसके लिए आपको लाइफ टाइम पे करना रहेगा. मतलब आप कभी भी हमेशा आपको पेमेंट पे करना पड़ेगा उसको. आप ऐसा नहीं है कि आप इकट्ठा पे कर देंगे तो चलेगा. सो ये प्रॉब्लम उन लोगों के लिए नहीं है जो कि फोटोशॉप से अर्न कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. पर ये प्रॉब्लम उन लोगों के लिए है जो सिर्फ फोटोशॉप एक सिंपली फॉर एडिटिंग देयर प्रोजेक्ट्स, जिससे वो कुछ ज़्यादा अर्न नहीं कर पाते. तो उनके लिए ये अल्टरनेटिव ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा. तो ये अल्टरनेटिव है GIMP, जेएनयू मैनिपुलेशन प्रोग्राम. GIMP स्टार्टिंगली लिनक्स के लिए बनाया गया था, पर जैसे जैसे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी तो उसको विंडोज़ और बाकी सब पे भी लाया गया. GIMP और फोटोशॉप लगभग एक जैसे ही हैं. बस उनका UI भी सेम है. आप लाइक अगर फोटोशॉप से GIMP पे शिफ्ट हुए तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी GIMP सीखने में. और लाइक 95% ऑप्शंस GIMP और फोटोशॉप के सेम हैं. बस फोटोशॉप और GIMP में प्रॉब्लम आती है पिक्सल मैनिपुलेटिंग, लाइक द एडिटिंग एट पिक्सल. मतलब बहुत ज़्यादा डीप एडिटिंग आप GIMP पे फोटोशॉप जितना अच्छा नहीं कर सकते. इसलिए अगर आप इंडस्ट्रियल बेस्ड एडिटर हैं और अगर आप उस एडिटिंग से अर्न कर रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी फोटोशॉप की. और अगर आप एक नॉर्मल प्रोजेक्ट्स के लिए कर रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी GIMP. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक. ओके, सो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है प्रीमियर प्रो, जो कि है एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर और इसको बनाया है Adobe ने. वैसे इसके मेरे ख्याल से दो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव्स हैं जो कि मैं खुद यूज़ कर चुका हूँ और बहुत ही ज़्यादा अच्छे अल्टरनेटिव्स हैं. सो पहला अल्टरनेटिव है ब्लेंडर. ब्लेंडर वेल बहुत सारी चीज़ें कर सकता है और एक वो मिक्सचर ऑफ सॉफ्टवेयर है. लाइक उसमें आप 3D मॉडलिंग कर सकते हैं, VFX डाल सकते हैं, 2D एनिमेशन बना सकते हैं और वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं. सो ब्लेंडर वीडियो एडिटिंग में भी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल सॉफ्टवेयर है. लाइक उसमें आप एक बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, बेसिक वीडियो एडिटिंग. बस फ़र्क ये रहता है कि आपको प्रीमियम में ज़्यादा प्लगइन्स मिल जाते हैं वीडियो एडिटिंग के और इसमें थोड़े कम प्लगइन्स मिलते हैं, पर हाँ मिलते हैं. तो अगर आप एक बेसिक एडिटिंग करते हैं मेरी तरह, लाइक मैं एक बहुत ही बेसिक एडिटिंग करता हूँ मेरे वीडियोज़ के लिए, तो मैं ब्लेंडर ही यूज़ करता हूँ. तो आप ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं. मेरे ख्याल से तो ब्लेंडर सफिशिएंट रहेगा आप लोगों के लिए जब तक आप एक इंडस्ट्रियल बेस्ड एडिटिंग नहीं करते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज डाविंसी रिजॉल्व ब्लैक मैजिक. वेल इसके ये कंपनी दो सॉफ्टवेयर्स बेचती है, एक उसका फ्री वर्जन और एक उसका पेड वर्जन. पेड वर्जन में आपको लाइक वो प्रीमियर की ही तरह मिलेगा. उसमें आपको रेंडर क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलेगी, प्लगइन्स बहुत सारे मिलेंगे और मतलब प्रीमियर की एकदम एग्जैक्ट टक्कर देता है वो, क्योंकि वो भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं. तो आप एक पेड की तरफ भी जा सकते हैं और एक फ्री वर्जन रहता है जो कि प्रीमियर जितना ही अच्छा है, बस उसमें थोड़े बहुत प्लगइन्स की कमी रहती है. सो डाविंसी रिजॉल्व अगर आप एक अल्टरनेटिव ढूंढना चाहें फ्री, तो मेरे ख्याल से डाविंसी रिजॉल्व बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो एकदम प्रीमियर के टक्कर का है और आप उसमें बहुत ही हाई लेवल एडिटिंग कर सकते हैं. तो उसके कुछ बैरियर्स हैं. पहला, उसको सीखना थोड़ा टफ रहता है, लाइक उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है सीखने में. और दूसरा बैरियर है, वो एक हाई एंड PC पे चलता है. आप उसको प्रीमियर की तरह एक लो एंड PC पे नहीं चला सकते.
उसको वर्क करने के लिए एक बहुत ही हाई एंड पीसी की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी रिक्वायरमेंट्स आपकी स्क्रीन पे हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास एक हाई एंड पीसी है, तो आप उसको डाविंची को बहुत अच्छे से, मीन्स आप इसको ही यूज़ करिए एज अ वीडियो एडिटिंग। अगर आपको फ्री एक अल्टरनेटिव चाहिए प्रीमियर के लिए, और अगर आपका पीसी इतना पावरफुल नहीं है, तो आप ब्लेंडर यूज़ करें। मेरे ख्याल से ब्लेंडर आपकी हर एक एक ज़रूरत को जो कि आपको वीडियो एडिटिंग में चाहिए वो पूरी कर देता है। सो बस अभी इस पार्ट के लिए इतना ही था, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की तरफ। ओके, सो द नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इज आफ्टर इफेक्ट्स, जो कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कुछ स्पेशल इफेक्ट्स वीडियोस में डालने के लिए यूज़ होता है। और ये भी एक एडोब का ही सॉफ्टवेयर है जो कि एक पेड सॉफ्टवेयर है। सो इसके इतने ज़्यादा अल्टरनेटिव्स नहीं है, कुछ ही अल्टरनेटिव्स है, जिसमें से मुझे एक बेस्ट लगा, और वो अल्टरनेटिव है नेट्रॉन। नेट्रॉन एक बहुत ही अच्छा और एक सूटेबल अल्टरनेटिव है आफ्टर इफेक्ट्स के लिए। लाइक उसमें बहुत सारे प्लगइन्स हैं आफ्टर इफेक्ट्स की तरह, और आप लाइक कुछ बेसिक चीज़ें कर सकते हैं आप उसमें। उसमें कुछ ऐसे परचेजेबल प्लगइन्स भी हैं कि आप उसमें कुछ प्लगइन्स परचेज करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है नेट्रॉन आफ्टर इफेक्ट्स का। देखा जाए तो आफ्टर इफेक्ट्स आप लाइक अगर आपको VFX पे काम करना है, तो आप ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स की जगह, और डाविंसी रिजोल्व भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आफ्टर इफेक्ट्स का। पर डाविंसी में उतने फीचर्स नहीं मिल पाते जितने कि आफ्टर इफेक्ट्स में रहते हैं। अगर आपको कुछ माइनर कुछ इफेक्ट्स डालने हैं आपके वीडियो में, या तो फिर कुछ मेजर भी हो सकते हैं डाल सकते हैं आप, तो उन सब चीज़ों को डालने के लिए एक सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है, और वह है नेट्रॉन। इस पार्ट का मैं बस इतना ही था, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की तरफ। ओके, हमारा लास्ट सॉफ्टवेयर है इस वीडियो का एडोब इलस्ट्रेटर। एडोब इलस्ट्रेटर मेनली ग्राफिक डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है, लोगोस बनाने में यूज़ होता है, आइकन्स बनाने में यूज़ होता है, और एंड्रॉयड या किसी और सॉफ्टवेयर के यूआई बनाने में यूज़ होता है। ये बेसिकली तो एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर ही है, और इसका मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव है जो कि मैं यूज़ कर चुका हूँ, वो है इंकस्केप। इंकस्केप एक बहुत ही सिमिलर सॉफ्टवेयर है एडोब इलस्ट्रेटर के जैसा। ये सॉफ्टवेयर भी गेम के डेवलपर्स के द्वारा ही बनाया गया था, और ये भी पहले लिनक्स में था, इसको बाद में विंडोज़ और मैक में लाया गया था। अगर जब आप लिनक्स और इलस्ट्रेटर के प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करेंगे, तो आपको इतना कुछ हाई डिफरेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छे से काम करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। लाइक इंकस्केप को कुछ प्रोफेशनल्स भी यूज़ करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है। आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगा हो, डिसलाइक कर दिए अगर नहीं अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको करना हो मेरे चैनल को, नोटिफिकेशंस टर्न ऑन कर दीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब करा हो। अगर आपको किसी और सॉफ्टवेयर के अल्टरनेटिव्स जानने हो, तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिए, मैं ट्राई करूँगा कि अगर मैं आपको उस सॉफ्टवेयर के अल्टरनेटिव बता सकूँ। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए जिस किसी को भी इसकी ज़रूरत होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगले वीडियो में मिलते हैं।